शेफ शानदार, मैं हूँ सुपर शेफ शानदार, शेफ शानदार, मैं हूँ सुपर शेफ शानदार। खाना भी बनाऊं मैं शानदार, जो भी खाए बोले बढ़िया मजेदार। हेलो कनाडा, कुक लाइक शेफ गुलजार, पावर्ड बाय मेमन सुपरमार्केट। ये प्रोग्राम हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं मेमन सुपरमार्केट की तरफ से, और आज मैं बहुत ही मजेदार रेसिपी बनाने जा रहा हूं। और मैं आपको एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। सर्दी बहुत ज्यादा है, बर्फबारी हो रही है, और इस वक्त जो है ना ठंड 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 है, और इसमें जो है आप मेमन सुपरमार्केट जो है आपको क्या दे सकता है, वो ये कि जो अज्जा मैं आज इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पर, ये सारी चीजें आप घर बैठे डोर स्टेप पर मंगवा सकते हैं मेमन सुपरमार्केट से। गोश्त है, चावल है, सब्जी है, मसाले हैं, हर चीज जो है मेमन सुपरमार्केट पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी आपको मिलती है। तो उसके लिए www.memansupermarket.ca याद रखिए, और नीचे नंबर चल रहा होगा, इस पर भी कॉल कर सकते हैं और अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं घर बैठे, इसलिए कि इस सर्दी में बाहर जाना जो है बहुत मुश्किल है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं सिंधी बिरयानी विद चिकन। आप इसको बीफ में, मटन में, सब चीज़ों में बना सकते हैं, लेकिन मैं बना रहा हूँ जो है चिकन के अंदर। इसकी कैलकुलेशन ये है कि 1 किलो अगर आपके पास चिकन है तो 700 ग्राम आपने राइस लेने हैं, वरना क्या होगा कि अगर बराबर बराबर डालेंगे तो राइस बहुत सारे हो जाएंगे और चिकन जो है बेचारी थोड़ी सी रह जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोरमा बनाते हैं, और इसके लिए हमने लिया है कुकिंग ऑयल 1/2 कप, और इसमें हम शामिल करेंगे साबुत गरम मसाले, ठीक है जी, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 5 से 6 तेजपात, और इसके बाद दालचीनी, 4 से 5 डंडियां, और बादियान का फूल 2 अदद, और इसके साथ मेरे पास है बड़ी इलायची, और ये से 4 से 5 ये हम डाल देंगे। दोनों चीज़ें हमने ली हैं, छोटी इलायची भी ली है, बड़ी इलायची भी ली है। इसको हमने हल्का सा कड़कड़ा लेना है, और इसके बाद हमने इसमें 1 किलो चिकन ऐड कर देंगे साथ में। चलिए, 1 किलो चिकन आ गई, और 1 बड़ी प्याज मैंने ब्राउन करके रखी हुई है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप मेमन सुपरमार्केट में आपको ब्राउन प्याज भी मिल जाएगी, ठीक है, ताकि जल्दी काम आसान हो जाए, वरना आप इसे ब्राउन भी कर सकते हैं। 1 बड़ी प्याज हमने ब्राउन किया हुआ है, और ये हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है जी, और ये सारी चीज़ें चली गई। अब मैं शामिल करने जा रहा हूँ इसमें दही। दही मेरे पास तकरीबन 1 पाव है, और फिटा हुआ दही होना चाहिए, ठीक है, 1 पाव दही फेंट लिया आपने अच्छी तरह से, और इसके बाद इसे आपने शामिल कर दिया जी नाज़रीन। तो अब मैं एक मसाला बनाऊंगा जो आपने बहुत गौर से देखना है। जब तक मैं ये बना रहा हूँ, इसका ऊपर से हम ढकना लगा देते हैं, स्लो आंच में इसको पकने देते हैं ताकि इसकी महक दूर हो जाए, ठीक है, और बिल्कुल धीमी आंच पर। चलें जी, इसको बंद कर देते हैं और मसाला तैयार करते हैं, ठीक है जी, आंच को बिल्कुल स्लो कर देना आपने। अब हम बनाने जा रहे हैं मसाला बिरयानी का, ठीक है, और तलहार मिर्च ये हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच। दही में तकरीबन हमने 1/2 कप दही लिया हुआ है, इसके अंदर तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नॉर्मल जो लाल मिर्च पाउडर होती है वो, ठीक है, और गरम मसाला जो है 1.5 चाय का चम्मच, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच भरा हुआ, ठीक है, और अब मैं शामिल करूंगा इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और इसके साथ मैं शामिल करूंगा इसमें नमक, पिंक सॉल्ट, ये भी आपको मेमन सुपरमार्केट में मिल जाएगा, 1 से 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है, अगर आप कम खाते हैं तो 1 चम्मच डाल दें, और ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें
डेढ़ चाय का चम्मच डाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप कर लेंगे मिक्स। ये बन गया आपका बिरयानी मसाला। ठीक है जी, बेहतरीन। अच्छा, जो गरम मसाला है उसमें जायफल जावित्री शामिल है। अगर आप चाहें तो इस तरह बना भी सकते हैं, और आप चाहें तो बना बनाया किसी भी कंपनी का मसाला ले सकते हैं। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारे जो चिकन है उसकी क्या पोजीशन है। जी, तो ये है चिकन की पोजीशन, और अब मैं इसको कर रहा हूँ मिक्स। वाओ, अब इसकी जो स्मेल है ना वो दूर हो चुकी है। ठीक है, और अब कलर आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं शामिल करूंगा ये जो मसाला हमने बनाया था, वो दही हमने पहले भी डाला था, थोड़ा सा दही इसमें डाला, यानी कि पूरा टोटल मिला के 1.5 कप हमने दही शामिल किया। और दही जो है वो अच्छी क्वालिटी का लें, और ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल आराम से हर जगह पर, यानी कि मेमन सुपरमार्केट में आपको जो कुकिंग वाला दही होता है, एक स्वीट भी होता है, वो इस्तेमाल नहीं करना है वरना इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं इसे दोबारा से, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कि आपको पता है जो कनाडा में चिकन मिलती है वैसे ही बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो इसे हमने सिर्फ 10 मिनट पकाना है, तो ये हमारा कोरमा जो है वो तैयार हो जाएगा। जब तक ये तैयार हो रहा है, मैं आपको एक दो चीज़ें और, अब इसको ढकना लगा कर हमने पकने के लिए छोड़ देना है। दोबारा राइस जो है हमने गर्म पानी में बॉईल करते वक्त इसमें हमने तेज़पात डाला है, और ये आप देख सकते हैं तेज़पात की बहुत अच्छी खुशबू होती है, और बादियान का फूल, दो बादियान के फूल और 5-6 तेज़पत्ता आप डालेंगे, और तकरीबन 2 खाने के चम्मच आपने इसमें नमक डाल देना पानी के अंदर। पानी कम से कम, जैसे कि 700 ग्राम मैंने लिया है तो 3 गुना पानी होना चाहिए, यानी कि 3 किलो के करीब आपने पानी डालना है, और उसके बाद 3 लीटर भी समझते हैं, 3 लीटर आप डालना है। पानी डालने के बाद इसमें आप तमाम चीज़ें डाल के, जब पानी बॉइल्ड होने लगे तब आप जो है राइस ऐड करेंगे इसमें। और जैसे कि अगर सेला चावल बना रहे हैं तो कम से कम बॉइल करने से 2 घंटे पहले उसको भिगोना है, और अगर बासमती बना रहे हैं तो 1/2 घंटे पानी में धोकर अच्छी तरह से भिगो कर रखें। और जब भी राइस को बॉईल करें, बड़े पतीले में बॉईल करें ताकि ये खिले अच्छी तरह से। एक कनी बॉईल कर लेना है, ये देखें खिले खिले बिल्कुल राइस हैं। जी ना दिन, तो हम कोरमे को देखते हैं। वाह, ये बात खुशबूदार और मज़ेदार कलर में कोरमा, ये तलहार मिर्च की वजह से बेहतरीन कलर आया है, खुशबू बहुत ही अच्छी सी है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं इसे दम पर लगाने के लिए, और दम कैसे लगता है आइए मैं आपको बताता हूँ। पतीला चेंज करेंगे जी, तो ये मसाला हमने सारा दूसरे पतीले में ऐड कर दिया, और अच्छी तरह से सारा मसाला ऐड करना है। यस वी गो जी, तो ये हो गया है मसाला शिफ्ट। चूल्हा थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, अब मैं इसकी लेयर लगाने जा रहा हूँ, और लेयर कैसे लगाते हैं आइए दिखाता हूँ आपको। 2 से 3 टमाटर के स्लाइस ले लें कच्चे, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगा हरी मिर्चें 5 से 6, ठीक है जी, हरी मिर्चें डाल दी। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे आलू जो बॉईल करके रखे हुए थे, थोड़े सख्त बॉईल है ताकि जल्दी बन जाए, ठीक है, और इससे आसान भी हो जाता है काम आपका। मैं इसमें डालूंगा जर्दे का रंग, ठीक है, पहले हम डालेंगे जर्दे का रंग तकरीबन 2 चुटकी के करीब, ठीक है, और फिर दोबारा से डालेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ चंद कतरे बिरयानी एसेंस। याद रखिएगा ये प्रोफेशनल स्टाइल है, जैसे कि हम पकवान सेंटर में जैसे बिरयानी बनती उस तरह का बता रहा हूँ मैं आपको। और ये आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी, बहुत ही गौर से बहुत ही तरीके से आप इसको समझ लें ताकि यही रिजल्ट आपका भी आए, ठीक है। अब मैं 700 ग्राम राइस में से 1/2 राइस में पहले डालूंगा इसमें, और हाथ से खोल कर डालें इसमें, जो है ना वो ना बने गुठलियाँ, ठीक है। इस तरह से आपने राइस को एक लेयर आपने लगा दी। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगा हरा धनिया, पुदीना,
और हाफ कप इमली का पेस्ट, ठीक है। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूं जो राइस हमारे बचे हुए थे, बाकी वो हम इसमें ऐड करेंगे। हाथ से हल्का हल्का दबाव भी दें और इसके बाद अब लास्ट में आपने इसमें शामिल करना है ब्राउन प्याज। बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं होनी चाहिए, देखें लाइट ब्राउन मैंने किया हुआ इस तरह से। और अब दोबारा से इसमें केवड़ा एसेंस या बिरयानी एसेंस चंद कतरे ऐड कर देंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूंगा लास्ट में जर्दे का रंग, और मैं ड्राई डालता हूं हमेशा जर्दे का रंग। आप इसको दूध में मिलाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे कलर ज़रा अच्छा आता है। अब आपका जो लास्ट फॉर्मूला है वो ये, जो अक्सर लोग नहीं करते हैं, वो है पानी। नॉर्मल पानी को हाथ में लें और इस तरह से आपने तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी ऊपर से ज़रूर ऐड करना है, ठीक है, तो ये जलेगा नहीं। और दूसरा, अच्छी तरह से स्टीम भी बनेगी इसमें। ये नॉन स्टिक पैन है इसलिए इसको तवे की ज़रूरत नहीं है, और अगर नॉन स्टिक नहीं है आपके पास एल्युमिनियम का बर्तन है तो नीचे तवा ज़रूर रखिएगा। शुरू में थोड़ा तेज़ रखें, उसके बाद हल्की आंच पर इसको बनाना है आपने। ये तकरीबन दम जो है 15 मिनट में हो जाएगा। जी नाज़रीन, तो जब तक बिरयानी जो है वो दम पर लगी हुई है, उम्मीद है कि इसके सारे स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए होंगे, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप बनाएंगे तो बेहतरीन बिरयानी आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं और टाइमिंग है, उसको अगर आपने ख्याल रखा तो इंशाल्लाह बेहतरीन बिरयानी जो रेस्टोरेंट्स पे या कैटरिंग में मिलती है वही बिरयानी आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ की तरफ से आपको जो है एक टिप देने जा रहा हूँ, और जब तक ये बिरयानी दम पर है आइए चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज की जो रेमेडी है वो क्या है और हमारी सेहत के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसको हम उर्दू में सिंगाड़ा कहते हैं, और ये जिसको वाटर नट भी कहा जाता है, ठीक है, तो सिंगाड़ा या वाटर नट ये हमारी बॉडी के लिए कितना फ़ायदेमंद है और उसको कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मेडिसिन की तरह इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये आप नॉर्मली आटे में मिक्स करके रोटी बना लें, किसी सूप में डाल लें, किसी सालन में डाल लें, खीर में डाल लें, इसका कोई अपना टेस्ट नहीं होता। लेकिन ये बच्चों को हड्डियों के लिए बड़े मजबूत होता है, ये इसके अंदर नेचुरल जो है ना आयरन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि इंसान को हेल्थ के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैल्शियम वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो मेरे पास जो है इसका पाउडर मौजूद है, और इसे आप अगर घर पे सब लोगों को, जिसमें बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, सबके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो नेचुरल सोर्स जो है वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है, तो इसे आप तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आटे में मिक्स करके इसकी रोटी बना लें और सारे घर वाले इसको खा सकते हैं। इसके अलावा इसे आप सालन में 1 खाने का चम्मच डाल दें, सालन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका टेस्ट जो है ना ख़राब नहीं होगा। तीसरी चीज़ ये है कि इसको आप सूप में, जैसे हम कॉर्न सूप बनाते हैं और भी इसको गाढ़ा करने के लिए हम मुख्तलिफ चीज़ें डालते हैं, तो इससे भी थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा ये सूप और बहुत अच्छा टेस्ट भी होगा, इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता। तो तीसरी चीज़ ये है कि इसको मीठा, जैसे खीर वगैरह बना रहे हैं उसमें भी आप इसे ऐड कर सकते हैं, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। और अगर कोई बच्चे की ग्रोथ सही नहीं हो रही तो उसके लिए ये हमेशा 1 चाय का चम्मच दूध में मिक्स करके, नीम गर्म दूध में अगर आप लेते हैं तो आपकी जो है ना बोन्स को मजबूती मिलती है, यानी कि सपोर्ट मिलती है, तो बच्चे का ग्रो होने में बहुत ही फ़ायदा होता है। और ये बच्चों के जब 6 साल से लेकर और 12 साल की उम्र तक अगर वैसे भी दें तो इंशाल्लाह कभी भी कैल्शियम की कमी या बोन्स के प्रॉब्लम जो है बच्चों में नहीं होती है। तो ये बड़े बच्चे सब इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी हेल्थ बेहतरीन रख सकते हैं। तो चलते हैं बिरयानी की तरफ, देखते हैं कि बिरयानी की क्या पोजीशन। जी नाज़रीन, तो बन गया है बेहतरीन सी सिंधी बिरयानी, और इसको खोलने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यस वाह, धुएँदार, और इसको करना है मिक्स हल्के हाथ से, बिल्कुल ऐसे, वाओ, ये देखिए ये सारा मिक्स हो गया है, कलर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर आया है इसके ऊपर, और जूसी बिरयानी ये देख सकते हैं, जूसी बिल्कुल, ठीक है। इसकी जो
टमाटर की खटास है, बाकी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल ही प्रोफेशनल स्टाइल की, बहुत ड्राई ड्राई सी बिरयानी होती, खाई नहीं जाती है। मैं वैसे इसका कायल नहीं हूँ कि इसके साथ कोई रायता वगैरह इस्तेमाल किया जाए, बेसिकली बिरयानी का जो फ्लेवर है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इसे डिश आउट करते हैं खूबसूरत सी प्लेट पे। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर आपको मिलेंगे इसमें, ये चिकन के पीसेस, ठीक है, और लेग पीस मेरा पसंदीदा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जी नाज़रीन, तो ये बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार इस वक्त धुआं ज़बरदस्त सा निकल रहा है बिरयानी के अंदर, सिंधी बिरयानी जो है तैयार हो चुकी है चिकन की। और टेस्ट भी कर लूँ ताकि आपको बता सकूँ कि इसका फ्लेवर कैसा है। बेहतरीन खुशबू और बेहतरीन टेस्ट के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आया है इसका। तो ये तमाम अज्जा जो मैंने इस्तेमाल किए हैं बिरयानी में, ये तमाम चीज़ें आपको मेमन सुपर मार्केट से मिल सकती हैं। और आप जाएंगे www.memansupermarket.ca, इस पर जाएं और जाकर ऑर्डर करें ताकि आपको ये तमाम अज्जा डोर स्टेप पर यानी कि घर के दरवाजे पर आपको मिल जाएं और आप मज़ेदार रेसिपी तैयार कर सकें। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। बहुत सारी और मज़े मज़े की रेसिपी मेमन सुपरमार्केट के साथ पेश होने जा रहा है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट रेसिपी पे आप इंतज़ार करेंगे बेहतरीन पॉइंट्स और बेहतरीन ट्रिक्स और बेहतरीन जो इसका स्टाइल होता है तरीकाकार, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगला जो एपिसोड है उसमें हम आपको सिखाएंगे देगी कोरमा, ये कैसे बनता है, इंतज़ार कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय। सब साथ है जायका है हाथ में, जायके की दुनिया में जायके की बात है। चिली चिली पेरी पेरी हॉट हॉट बाइट, आई एम अ रेसिपी किंग, दिस इज अ फूड फाइट।